हेलो फ्रेंड, नमस्कार आदाब दोस्तों, सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी निवेशक साथियों का हमारे न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो आपके लिए ये लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आए दोस्तों, ये एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ है जो नौकरी करने वाले ने अपनी तबीयत ख़राब होने के बाद नौकरी को टाइम से पहले छोड़ दिया और जो पैसा उसने अपनी जीवन भर की कमाई का आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगाया था, उस पैसे को लेकर आज वो कितने चिंतित हैं। दोस्तों, उस पैसे को लेकर आज उन्होंने के पवन को अपने एक ज्ञापन सौंपा, उसमें क्या पूरी न्यूज़ निकल कर आई है, आइए दोस्तों इसको हम दिखाते हैं। भास्कर, दैनिक भास्कर से न्यूज़ आई है, 24 जनवरी 2020 की न्यूज़ है। आदर्श क्रेडिट सोसाइटी में संचय राशि जमा करने के बाद राशि का ब्याज सहित भुगतान नहीं करने पर धोखाधड़ी व रुपए हड़पने को लेकर एक ग्राहक ने रजिस्ट्रार नीरज के पवन को ज्ञापन प्रेषित किया। गंजानन मार्ग निवासी शंकर लाल चौहान ने ज्ञापन प्रेषित कर बताया कि वे डिक्सकॉम के पेंशनधारी हैं। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने पर बीमारी के कारण 14 वर्ष पहले उन्हें स्वैच्छिक सेनावृत्ति ले ली थी। बच्चों की शादी के लिए सेनावृत्ति के बाद आदर्श सोसाइटी पॉली एजेंट के माध्यम से कुल 7,81,000 रुपये जमा कराए थे, लेकिन अब एजेंट व सोसाइटी के चक्कर काटने के बाद भी न तो मूलधन मिल रहा है और न ही उनका ब्याज दिया जा रहा है। इस कारण पूरे परिवार को आर्थिक दौर से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने रजिस्ट्रार के पवन को ज्ञापन सौंप कर राशि का ब्याज सहित दिलाने की मांग की। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको हिस्ट्री न्यूज़ चैनल से सुनाई जा रही है और आपको बताया जा रहा है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितने ऐसे निवेशक जिनको हम अक्सर आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाते रहते हैं, कितने मजबूर हैं, कितनी कमज़ोर स्थिति इनके परिवारों की इस वक्त चल रही है और किस स्थिति से ये यहाँ से गुजर रहे हैं। दोस्तों, अनुमान ही लगाया जा सकता है। हमारे यहाँ कहावत है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जाने, तो दोस्तों ये एक ऐसी चीता है जो ज़िंदा होके जल रहे हैं उसमें निवेशक। तो दोस्तों, हम इस सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो दोस्तों कल कल हो रहा है, इसमें कल कल ना होके आज ही कुछ ऐसा होना चाहिए कि ऐसे निवेशकों के लिए बहुत जल्द से जल्द पैसे का बंदोबस्त किया जाए और ऐसे मजबूर निवेशकों को जिनकी जीवन भर की कमाई इसमें लगी हुई है और उनकी जीवन लीला ज़्यादा नहीं रही, क्योंकि दोस्तों इसमें 60-70 साल तक के ऐसे निवेशक हैं जो अपने पैसे को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं और वक्त से पहले वे स्वर्ग सिधारने की कगार पर हैं। तो हमारी भारत सरकार से अनुरोध है कि अपनी गलत नीतियों को हटाकर एक बिल्कुल सही तरीके से रजिस्टर्ड कंपनियों को पुनः इसको स्थापित किया जाए, ख़ास तौर से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको हिस्ट्री न्यूज़ चैनल से दी जा रही है खबर। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम बैक।